महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण की घटना की आग ठंडी नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। इसके लिए पूरी तैयारी भी की गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद पर रोक लगा दी थी। अब बंद तो रुक गया, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन जारी रखा है। शनिवार को एमवीए के मुख्य दलों ने अपने अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर माथे और मुंह पर काली पट्टी बांधी और एक तरह से मौन प्रदर्शन किया। शिवसेना भवन के आगे पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा और मुंह और माथे पर काली पट्टी या काले रंग के मास्क के साथ उन्होंने सांकेतिक रूप से विरोध जताया। कुछ ऐसा ही माहौल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एससीपी के पार्टी कार्यालय के बाहर भी रहा और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। सभी ने संयुक्त रूप से अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मूसलाधार बारिश में भी ये प्रदर्शन जारी रहा। वहीं महिलाओं ने काली साड़ी और यहां तक कि जिन तख्तियों पर नारे लिखे गए थे वो तख्तियां भी काले रंग की थी। इस मामले में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये दुखद है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महायुति सरकार को हटना जरूरी है। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये प्रदर्शन महिलाओं के लिए है। उन्होंने कहा कि रोज इस प्रकार की यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं और महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं, 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही है, ले लो हमसे 2000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उधर बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़ा कानून बनाया था, उसका क्या हुआ, कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। इस प्रदर्शन के दौरान शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को कोई शपथ भी दिलाई, जिसमें उनकी बात को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोहराया। लाजे मोहल्ला, लाजे गाँव, लाजे ऑफिस, कोणत्याही ठिकाणी जर महिलांच्या छेडछाड किंवा अत्याचार होत असेल तर त्यास मी विरोध करून त्याबद्दलचा आवाज उठेल। वहीं इस मामले में मुंबई रीजनल कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि चाहे कितना भी रोक लो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये आवाज बंद नहीं होगी। चाकरकर जी को भी हमने ये बात कही, देखिए कोर्ट का आदर हम करते हैं, कोर्ट ने जो किया वो ठीक है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और हमने बोला कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोर्ट ने इस चीज के लिए जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। शक्ति कायदा में हमने टाइम बॉन किया था, 2 साल से शक्ति कायदा पड़ा है केंद्र के पास, क्यों नहीं पास करके लेते शक्ति कायदा। फिर यही चीजें हो जाती है कि जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आता है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर आता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन है? वो संस्था जिसमें यह घटना हुई है वो बीजेपी आरएसएस से निगड़ी घटना है। और स्पेशल किसको काम दिया है प्रोसिक्यूटर का? उज्जवल निकम जी को। उज्जवल निकम जी कौन से पार्टी से टिकट से लड़े है? क्या वो न्याय दे पाएंगे लड़की को? क्या वो लड़ाई लड़ पाएंगे? तो ये हमारे सवाल है। हम उस लड़की के लिए लड़ रहे हैं, उस महिला के लिए लड़ रहे हैं जिसके ऊपर ये अन्याय होता है, जिसके फैमिली को इससे जाना पड़ता है। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कितनी भी आवाज बंद करेंगे तो भी हमारी आवाज जारी रहेगी, महिलाओं की आवाज रहेगी। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन का सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन के क्या परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बाजूला बघतो साहेब।